वेलकम टू द ब्रेकफास्ट शो। मैं हूँ आयशा अब्रार, एक नए दिन के साथ, एक नई सुबह के साथ करते हैं आपको खुश आमदीद। आज है जुम्मे का दिन और जुम्मे के दिन के हिसाब से हम हमेशा कोई अच्छी सी बात, प्यारी सी बात आप लोगों के साथ शेयर कर रहे होते हैं। फैमिली के साथ टाइम गुजारने का दिन होता है, फैमिली एक नेमत है। इसी तरह एक और बहुत बड़ी चीज़ है जो नेमत है और वो है औलाद। औलाद का ये तोहफा जो कि जब भी किसी इंसान को मिलता है तो खुशियाँ लेके आता है उसकी ज़िंदगी में, एक खूबसूरत तोहफा है, एक खूबसूरत नेमत है। लेकिन हर कोई इस नेमत को हासिल नहीं कर सकता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ख्वाहिश होती है औलाद की और ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता। इसको अंग्रेज़ी ज़बान में इनफर्टिलिटी कहा जाता है। उर्दू ज़बान का जो लफ्ज़ है वो मुझे पर्सनली नहीं पसंद और वो बहुत सारे लोगों के लिए एक ट्रिगर भी हो सकता है बांझपन जब हम कहते हैं, तो मैं इनफर्टिलिटी का ही लफ्ज़ का इस्तेमाल करूँगी। लेकिन आज का शो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तमाम ख़वातीन के लिए, तमाम उन मर्द हज़रात के लिए जिनके घर में ये खुशी, जिनके आंगन में ये फूल नहीं खिल रहा, वो चाहते हैं तब भी। आज का शो ज़रूर देखिएगा। आज के शो में मैं उनको मसीहा कहती हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब उन्होंने अपनी इनफर्टिलिटी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम शेयर की किसी दोस्त के साथ, किसी जानने वाले के साथ, और उन्होंने उनको बताया डॉक्टर ज़रियाब सेठना के बारे में, तो बहुत सारे आंगनों में फूल खिले, बहुत सारी उम्मीदें जो हैं वो वापस आईं और बहुत सारे सक्सेसफुल केसेस हमने देखे। आज का शो काम की बात ख़ास तौर पर तमाम उन लोगों को हम डेडिकेट करते हैं। आप कॉल्स करके उनसे सवाल कर सकते हैं। आपको कोई भी अगर आप सोचते हैं कि कराची आना है उनसे मिलने के लिए, इलाज करवाने के लिए, जो भी आपके दिमाग में सवाल हैं वो आप पूछ सकते हैं आज के हमारे शो के ज़रिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये शो, किसी की ज़िंदगी में एक खूबसूरत चेंज लेके आ सकता है, सो ज़रूर देखिएगा। सो ये होने वाला है काम की बात में आज का हमारा टॉपिक। इसके साथ साथ खाने में क्या है, खाने में है पिज्ज़ा। सुबह सुबह कौन पिज्ज़ा खाता है, कौन है जो नाश्ते में पिज्ज़ा खाता है? वेल, हम बनाते हैं और हम खाते हैं, लेकिन इसको हम कुछ नाश्ते वाला पिज्ज़ा बनाएंगे। एक मुख्तलिफ सी रेसिपी है वो आप देखेंगे। और इसके साथ साथ आज क्या सीखें, आज क्या सीखें में एक हमारे साथ खातून मौजूद होंगी। वैसे तो वो इंटीरियर डिज़ाइनर है, बहुत अमेजिंग अमेजिंग काम करती हैं, लेकिन वो आज हमें बनाना सिखाएंगी एम्ब्रॉयडरीड हूप किस तरह बनाना सिखाएंगी, हम वो जानेंगे। और इसके साथ साथ आयशा स्पिक में मैं मिलवाना चाहूँगी आपको किसी ऐसे इंसान से या किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना चाहूँगी जो कि कमाल काम कर रही है व्हेन इट कम्स टू बेटरमेंट फॉर ह्यूमन काइंड। वेल, अभी चलते हैं हमारी इंफरटेनमेंट की जानिब। एंड क्योंकि फ्राइडे है, मौसम हो गया है खूबसूरत, तो हमने सोचा आपके साथ वो इवेंट्स शेयर किए जाएं जो कि कराची में हो रही हैं, लेकिन हम बाकी शहरों के बारे में भी आपको बताते रहेंगे। पहला इवेंट जो कराची में हो रहा है उसका नाम है क्राफ्टर्स एक्सपो। क्राफ्टर्स एक्सपो एक ऐसा इवेंट है जो कि हर साल होता है और 10th सेलिब्रेटरी शोज का हो रहा है। ये हो रहा है एरिया 51 में November 13th को, यानी कि परसों के दिन, संडे के दिन। इसमें होगा क्या क्या, इसमें होंगे गिफ्ट आइटम्स, इसमें होगी डेकोर, लिनन्स, अपेरल यानी कि कपड़े, फैशन एक्सेसरीज, ज्वेलरी, चिल्ड्रंस गिफ्ट, स्टेशनरी, स्किन केयर, बहुत सारी और चीज़ें। इसके अलावा इसमें जो है वो तकरीबन 1300 से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स ने शिरकत की है और इनका काम ज़्यादातर जो है वो विमेन लेड बिजनेसेस हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, 16 साल के और 16 साल से भी कम उम्र के, यानी आजकल तो बच्चा बच्चा जनाब कुछ ना कुछ बना रहा है, विच इज़ अमेजिंग। एंड देयर आर सम आर्टिसंस फ्रॉम भिक्षा एंड कलत, अच्छा डिफरेंटली एबल्ड जो इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। और सबसे मज़े की बात मैं आपको बताऊँ, सबसे मज़े की बात यह है कि इसके लिए एंट्री के लिए कोई फीस नहीं है, सिर्फ आपको दिखाना है कि क्रेव मार्ट की ऐप अगर आपके फ़ोन पे है एज ए कोलैबोरेशन, बिकॉज उन्होंने कोलैबोरेट किया इवेंट के साथ, तो वो आपको दिखाना है कि ये क्रेव मार्ट की ऐप है मेरे फ़ोन में और फ्री एंट्री जो है वो आप हासिल कर सकते हैं। सो ज़रूर जाइएगा। दोबारा बता दूँ, एरिया 51 November 13th। दूसरा इवेंट हो रहा है विमेन से मुताल्लिक, कराची विमेन फेस्टिवल हो रहा है सैटरडे को यानी कि कल November 12th को, 3 बजे से लेके 11 बजे तक ये होगा द पाम मार्की में, जो कि डॉलमिन मॉल क्लिफ्टन के बहुत ज़्यादा करीब है। बेसिकली ये करेगा क्या कि जितने भी एंटरप्रेन्योर ख़वातीन हैं, चाहे वो नई हैं अभी फील्ड में एंटर हुई हैं, कुछ नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहती हैं, या फिर उनको थोड़ा सा टाइम हो गया एग्जिस्टिंग हमारे जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, इन दोनों के दरमियान का एक ब्रिज को गैप करेगा, यानी दोनों एक दूसरे से मुलाकात करेंगे, सवाल जवाब करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे और कुछ नया सीखेंगे।
इस तरह से और भी कुछ चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे, थोड़ी सी मैं आपको बता देती हूँ। प्रेयर एरिया भी है, लैक्टेशन लाउंज भी है, बेबी डायपर चेंजिंग स्टेशन भी है। मुझे बहुत खुशी होती है बताते हुए, क्योंकि ये हर इवेंट पे, हर वेन्यू पे मौजूद होनी चाहिए ऐसी चीज़ें। किड्स आर्ट एंड एक्टिविटी भी है। और अच्छा, इसका वेन्यू है ना, वो मुझे अभी सुनने में आया कि वो चेंज हुआ है। तो वो जो वेन्यू चेंज हुआ है, वो मुझे हमारे अभी प्रोड्यूसर साहब बताएंगे कि पाम माँ की नहीं है, पाम माँ की ही है। यही मैंने आपको, आपके साथ शेयर किया कि पहले ये जो इवेंट है बेसिकली ईमार में हो रहा था, लेकिन अब पाम माँ की में हो रहा है। तो ये एक छोटा सा चेंज है। तो वो लोग जो कि ईमार पहुँचने वाले थे, इसी बहाने नहीं, किसी और दिन चले जाए, पाम माँ की पे आना है आपने इस इवेंट को अटेंड करने के लिए। एंड इसके अलावा जो हमारी आज की मज़ेदार सी, मसालेदार सी न्यूज़ है, वो ये है कि मसाला कुकिंग क्लास हो रही है सैटरडे को, 26 नवंबर को। रजिस्टर किस तरह से आप कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊँगी, लेकिन हो रही है लेजेंड होटल इस्लामाबाद में। सेलिब्रिटी शेफ्स मौजूद होंगी, शीरीन अनवर, रिदा आफ्ताब, जारनक सिद्वा एंड जितने भी लीडिंग शेफ्स हैं ऑफ लेजेंड होटल इस्लामाबाद के। रजिस्ट्रेशन का जो नंबर है कॉल करने के लिए, वो ज़रा केयरफुली जल्दी से पेपर पेन ले आएं और लिख लें, 0342-540-1037 ये नंबर है। इस पर कॉल करके आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। तो शेफ से मिलने का आपको मौका मिलेगा इस्लामाबाद में, सीखेंगे आप बहुत सारी चीज़ें। तो सिर्फ हमने कराची को केटर नहीं किया, इस्लामाबाद के लिए भी हम कुछ लेकर आए हैं। वेल जनाब, अब टाइम है ब्रेक पर जाने का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम मसाला अवार्ड्स हुए थे, हम स्टाइल अवार्ड्स, और वो हुए थे कहाँ, हम अवार्ड्स हुए थे कनाडा में। और ये जो हम अवार्ड्स हुए थे, ये काफ़ी टाइम से हम सुन रहे थे, इंस्टाग्राम पे BTS देख रहे थे सेलिब्रिटीज़ का, लेकिन इसका जो पहला ऑफिशियल लुक है, जो टीज़र है, वो आप देख सकते हैं ब्रेक पे जाते जाते। तो वो आप इंजॉय कीजिए, फर्स्ट लुक ऑफ हम अवार्ड्स, उसको देखते हुए जाइए। जब वापस आएंगे द ब्रेकफास्ट शो में, तो हम आपको बताएंगे कि खाने में क्या है। तो मिलते हैं आपसे इस छोटी सी ब्रेक के बाद।